जो आज हमारी कुछ बहनें वार्ड मेंबर हैं जो आए हुए हैं, उनकी समस्या जो थी उसको हमने आज सॉल्व किया है। एक तो पहली समस्या तो इन बहनों की ये है कि इनका एक महिला भवन जो बन रहा है अधूरा है, उसके लिए मैंने पहले भी पैसे डाले थे 1 लाख, लेकिन उन्होंने 1 लाख जो है खर्च कर दिया है। 1 लाख और हमने डालने की घोषणा की और 1 लाख और हम इनको डाल दिया। दूसरा, आपके फर्नीचर के लिए भी हमने जो है एक बार जो है 7,000 डाला था, दूसरी बार 10,000 डाला है और 25,000 और डाला था आपके भवन के लिए। तो अगर इसको आप लगाएं अगर फिर भी कम पड़ेगा तो और हम पैसा आपको देंगे। दूसरा, इनकी एक समस्या थी रोड की, जो रोड ऊपर से जो आ रहा है वो 4 किलोमीटर कच्चा है, उसको भी हम बड़ी जल्दी जो है उसको टायरिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो मैंने अभी बिछार रोड। तीसरा, इनका एक पुल का सिंचाई का जो है वो काम अधूरा पड़ा है, कुछ पाइपें उन्होंने लगाई है। अभी मैंने IPH FDO से अभी बात की है तो बड़ी जल्दी वो खुद आके उसको देखेंगे। वार्ड मेंबर का जो हमने उनको नंबर दिया है, तो जो भी होगा जो कार्य उसको हम पूरा करेंगे। अब मैं भी चाहता हूँ कि ये पुल आपके गाँव में आए और ये पानी आपके गाँव में चले। और एक और मैं आपको एक नई जो खुशखबरी देता, आप सबको बड़ी बड़ी बधाई कि चौतड़ा के लिए जो हमने जो सिंचाई की स्कीम के लिए जो स्कीम एक डाली थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 70 करोड़ की जो सिंचाई की स्कीम जो है आपके चौतड़ा को लगी है, उसमें बल भी उसमें इंक्रूड है और इसका पुल अप्रूव्ड हो गई और उसके बड़ी जल्दी टेंडर लगेंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ कि 70 करोड़ की पहली बार हुआ इतनी बड़ी पुल जो लगने जा रही है, ये पूरा सिंचाई को हम पूरा करेंगे, पूरा चौतड़ा जो बेल्ट है सबके लिए 70 करोड़ की स्कीम लगी है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।